दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे BYD ATO 3 को टाटा नेक्सॉन EV मैक्स के साथ। देश में हाल ही में BYD ATO 3 इलेक्ट्रिक SUV को लाया गया है जो मुख्य रूप से टाटा नेक्सॉन EV की मैक्स मॉडल को टक्कर देने वाली है। BYD ATO 3 रेंज के मामले में मौजूदा कई SUV से आगे है। कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक SUV 60.48 किलोवाट आवर क्षमता वाली बैटरी 521 किलोमीटर का रेंज प्रदान करती है। नेक्सॉन EV मैक्स में 40.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है और इस बैटरी के साथ 437 किलोमीटर की ARAI प्रमाणित रेंज मिलती है। ऐसे में रेंज के मामले में ATO 3 बाजी मार ले जाती है। BYD ATO 3 को DC फास्ट चार्ज से सिर्फ 50 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं रेगुलर AC होम चार्जर से इस इलेक्ट्रिक SUV को करीब 10 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। वहीं नेक्सॉन EV मैक्स की बात करें तो इसे 3.3 किलोवाट और 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर के साथ पेश किया गया है। 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर को घर या फिर ऑफिस में लगाया किया जा सकता है। इससे इस SUV को चार्ज होने में 6.5 आवर्स का समय लगता है। 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से इसे महज 56 मिनट में 0 से 80% तक का चार्ज किया जा सकता है। समय नेक्सॉन EV कई चार्जिंग विकल्पों के साथ आती है, लेकिन इस बिल में भी BYD ATO 3 से कुछ मिनट से पीछे रह जाती है। BYD ATO 3 इलेक्ट्रिक SUV को सिंगल परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से 201 BHP की पावर और 310 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक SUV 7.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है। नेक्सॉन EV मैक्स अपने 105 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर से 143 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं ये केवल 9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है। तो आपको इन दोनों में से कौन सी SUV सबसे पसंद आती है आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ